किसानों के काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि डीएसआर के अंदर हमें जो खादें हैं वो किस तरीके से डालनी है। हालांकि उनको पता नहीं कि डीएसआर के अंदर वह कद्दू वाले धान के अंदर खाद डालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहता है। किसानों को एक वहम सा रहता है कि यार डीएसआर के अंदर जो खादें हैं वो अलग तरीके से डाली जाती है, कद्दू वाले में जो खादें हैं वो अलग तरीके से डाली जाती है। आज की इस वीडियो में आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, अगर आप उस टेक्निक को समझ लेते हो तो कभी भी आपको डीएसआर के अंदर खाद डालने में जो परेशानी है वो नहीं उठानी पड़ेगी। टेक्निक को समझने के लिए हम छोटे से उदाहरण को लेते हैं। मान के चले कि हमारी जो नर्सरी है वो 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अगर हमारा डीएसआर 30 दिन का हो चुका है, यानी कि हमारी जो नर्सरी है वो तैयार हो चुकी है, 30 दिन तक हमारा जो डीएसआर है वो एज ए नर्सरी है। नर्सरी के अंदर हम क्या कुछ डालते हैं, नर्सरी हम जब हमारी नर्सरी 15 से लेके 16 दिन की हो जाती है उस समय हम नाइट्रोजन देते हैं एक कनाल के हिसाब से 2.5 से लेके 3 किलोग्राम। तो आपको डीएसआर के अंदर भी जब हमारा जो डीएसआर है वो 18 से 20 दिन का हो जाता है, यानी कि डीएसआर में जो पहला पानी है वो लग चुका होता है, उस समय हमें क्या करते हैं कि एक कनाल के हिसाब से 2.5 किलोग्राम जो यूरिया है वो देनी है। प्रति एकड़ आपकी जो यूरिया है 2.5 × 8, क्योंकि 8 कनाल का हमारा एकड़ होता है, तो उसके अंदर करीबन जो 20 किलोग्राम यूरिया है वो हमारी चली जाती है करीबन 18 से लेके 20 दिन का, जब हमारा डीएसआर हो जाता है। किसान साथियों, जिस भी किसान ने अगर सूखे में बिजाई करने के तुरंत बाद पानी दिया है उसको भी जो पहला यूरिया है वो 18 से 20 दिन के आसपास डालना है। अगर आपने तरवतर वान के अंदर बिजाई की है तब भी आपको जो पहला यूरिया है, क्योंकि तरवतर वाले वान के अंदर हम क्या करते हैं कि 18 से 20 दिन के आसपास जो पहला पानी है वो देते हैं, यानी कि आपको भी जो यूरिया है वो 18 से लेके 20 दिन के आसपास डालनी है, प्रति एकड़ 20 किलोग्राम। आप इस यूरिया के साथ में एक बैग जो सुपर है वो भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सुपर डालते हो तो आपको कैल्शियम व जो सल्फर है वो एक्स्ट्रा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से आप सुपर डालिए, काफ़ी अच्छा रहता है, उसके अंदर 3-4 तरह के जो न्यूट्रेंट है वो पौधे को आसानी से मिल जाते हैं। किसान साथियों, 30 दिन के बाद आपको डीएसआर में जो खादें डालनी है वो डालनी है जो तरीका हम कद्दू वाले धान के अंदर अपनाते हैं, यानी कि कद्दू करने के बाद हम जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके अंदर हम खादें कितने दिन के बाद में डालते हैं और क्या क्या खादों के अंदर गैप रखते हैं वो जो तरीका है वो आपको अपनाना है। क्योंकि 30 दिन के बाद में आपका जो डीएसआर है वो कद्दू वाला जो धान है वो बन जाता है, इसलिए आपको 30 दिन के बाद में डीएसआर में जो भी खादें डालनी है वो कद्दू वाले धान के हिसाब से डालनी है। कद्दू वाले धान के अंदर आप क्या करते हो कि 45 से लेकर 42 दिन के आसपास जो खादें हैं वो कंप्लीट कर देते हो, तो आपको डीएसआर के अंदर जो खादें हैं वो कंप्लीट करनी है। 30 दिन के अंदर हमारी नर्सरी हुई और नर्सरी के बाद हम 45 दिन में जो खादें हैं वो कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि 30 + 45 आपका हो गया 75 दिन। अगर आप 42 दिन के अंदर खादे कंप्लीट कर देते हो तो 30 + 42 यानी कि 72 दिन या 70 दिन के आसपास आपको डीएसआर में जो खादे हैं जो नाइट्रोजन है वो आपको कंप्लीट कर देनी है। और खादें आप कद्दू वाले धान में किस तरीके से डालते हो, पहले सप्ताह में आपने डाल दिया, यानी कि आपने मान के चलो कि आपने 1 तारीख को ट्रांसप्लांटिंग की और 7 दिन के अंदर आपने जो पहली यूरिया है वो डाल दी, तो डीएसआर के अंदर क्या होगा कि 30 दिन की हमारी नर्सरी है, 30 + 7 यानी कि 37वें दिन आपको जो पहला यूरिया का डोज है वो देना है। आपने जो 18वें दिन या 20वें दिन डीएसआर के अंदर यूरिया डाली है उसको आप भूल जाओ, क्योंकि नर्सरी में भी तो आप यूरिया डाल के भूल जाते हो ना। हमारी जो मेन यूरिया है वो स्टार्ट होती है ट्रांसप्लांटिंग के बाद में, इसलिए डीएसआर के अंदर भी जो हमारी मेन यूरिया है वो स्टार्ट होगी 30 दिन के बाद में। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों आपको जानकारी जो आप समझ चुके हो, अगर फिर भी आपको लगे कि हमें जो ये तरीका है वो समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।